अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। उसके बाद जो भी हमारे जो है वो क्वालिफिकेशन के रेलिवेंट जॉब्स आती हैं, EPR डिपार्टमेंट खुद उनके लिए अप्लाई कर देता है। व्यूअर्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स यानी कि EPR डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान से। पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी। आपको बता देता हूँ, सिंध, आजाद जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए बिल्कुल सेम एडवर्टाइजमेंट है, सेम जो है वो पोजीशंस हैं। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो आपकी सिंध वालों की होगी उसमें सूबा सिंध लिखा होगा और जो असामियों की तादाद है वो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ होगी, इसी तरह AJ की है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं असामियों का नाम, ठीक है, उसके बाद असामियों की तादाद और अहलियत बता देता हूँ और इसी तरह सिंध और AJK वाले कैसे देखेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और एंड पे ये भी बताऊंगा आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, महाना सैलरी 30,000 रुपए है प्लस अलाउंस होगा और यहाँ पे जिला कोटा भी बताया गया है कि मतलब इन अजला के अंदर जो है वो अनाउंस की गई है और पूरे पंजाब से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, असामियों की तादाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की 185 है। ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या इसकी मसावी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 20 साल से 38 साल है और एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, 25,000 सैलरी है प्लस अलाउंस है, सेम जो है वो अजला है। 481 कुल पंजाब के अंदर पोजीशंस हैं। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मसावी तलीम। ठीक हो गया, अब ये मैंने आपके साथ पंजाब का शेयर किया, बिल्कुल इसी तरह सिंध का है, इसी तरह AJK का है। ठीक है, जब मैं अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगा उसमें आपकी तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। वो कह रहे हैं उम्मीदवार जो दरखास्त है वो दो तरीकों से जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा करवा सकता है और हमारी जो है वो पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके बजरिया डाक भी जमा करवा सकता है। उम्मीदवार दरखास्त फॉर्म के साथ जो है वो 430 रुपए की फी भी पे करेगा, ठीक हो गया, जो कि नाकाबले वापसी है। उनका फिर कहना है कि उम्मीदवारों को इंतखाब के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या इंटरव्यू है वो इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा और इसकी इतला बजरिया SMS दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इश्तहार की इशाअत का आखिरी 30 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल करके मुंतकी ड्यूटी शुरू कर दी जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और इसके बाद टेस्ट इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को हतमी इंतखाब होने के बाद अपने मुतलका जिला में तैनात किया जाएगा। ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और बजरिया डाक भिजवाने की भी CME डेट है 25 अक्टूबर। ठीक है, अगर आपने बजरिया डाक भेजनी है वो किस एड्रेस पे भेजनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से ये पोजीशंस थी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करने हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स यानी कि EPR डिपार्टमेंट के जो कैरियर पोर्टल पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल वैकेंसी डिटेल है। अब यहाँ पर देखें जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पंजाब डोमिसाइल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पंजाब, यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन सिंध का, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सिंध, फिर इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन आजाद जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर का जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप AJK और सिंध से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2022 है और अगर आप पंजाब के डोमिसाइल रखते हैं और पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। ठीक हो गया, अब प्रॉपर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके बजरिया डाक जो है वो भेजना चाहते हैं तो वो किस तरह से भेजेंगे। पहले मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने जो है वो डाउनलोड हो चुका है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसको फिल करना है, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और कहां से हैं आप वो आपने, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तमाम जो है वो सूबों के लिए सेम ही है, जस्ट आपने यहाँ से इंतखाब कर लेना है।
इसको फिल करने के बाद एंड पे आप चले जाएंगे, वहां पर ₹430 का आपको चलान भी मिल जाएगा। एचबीएल में कैसे पे करना है, फैसल बैंक में कैसे पे करना है, वो सारा का तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है। ठीक हो गया व्यूवर्स, यहाँ पे देखें जी ये पंजाब के लिए है 25/10/2022, और अगर आप सिंध वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो भी डाउनलोड हो चुका है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये है जी सिंध वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है जी अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2022 है, यानी कि अगर आप सिंध एजी के पंजाब से अप्लाई कर, आप अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आप अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। व्यूअर सबसे पहले यहां पर आपने पिक्चर ऐड करनी है, यहां पर देखें जी एक लिस्ट दी गई आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखें एजे के भी आ रहा है, सिंध भी आ रहा है, पंजाब डोमिसाइल भी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपने इसको इस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपना फुल नेम, फादर नेम, आपने जो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपने डोमिसाइल ऐड करना है कि कहाँ का है, पंजाब है, जेके कहाँ से है। परमानेंट एड्रेस आपने ऐड करना है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और फोन नंबर कोशिश कीजिएगा ऐसे ऐड करना है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो, ओके। ये करने के बाद पोस्टल एड्रेस आएगा, पोस्टल सिटी आएगा, पोस्टल तहसील आएगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके एजुकेशन को पूछा जाएगा, आपने एजुकेशन रिकॉर्ड को ऐड करना है, उस तरह फिर नेक्स्ट जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और ना ही डिमांड की गई है। बिल्कुल एंड पे जो है वो ऑनलाइन आपको फी का कह देंगे कि आपने जो ₹430 फीस पे करनी है वो भी आप जो है वो बजरिया मोबाइल बैंकिंग जो है वो पे कर सकते हैं, ओके होगा व्यूअर्स। और इसके लिए मैं और आप लोगों को बता दूं कि आप जो है वो फी जो है वो बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप जो है वो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है वो ये पोर्टल जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ओपन करके आप इसी सेम पोर्टल पे आ सकते हैं और जिस भी जो है वो सूबे का आप डोमिसाइल रखते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।